चलिए, तो कल कुछ नेट के इशू के वजह से क्लास को हम लोग नहीं कर पाए थे, आज कंप्लीट करेंगे पार्ट वन आई थिंक, पार्ट टू टाइम बचेगा तो उसको भी देख लेंगे, ठीक है। और अभी यही फ्लाइट मोड अभी डाले हैं तो अभी नेट यहाँ पर सही हो गया, अब अच्छे से नेट वगैरह भी चल रहा है। ठीक सुरेश, और क्या नाम है मीनाक्षी, स्टार्ट करते हैं क्लास को, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट वगैरह करना, ठीक है। तो हम लोग लोस्ट स्प्रिंग देख रहे थे, बोले थे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे पढ़ना। लाइव क्लास हम लोग का टाइमिंग यही रहेगा, 6:45 में हम लोग लाइव रहेंगे, ठीक है। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि बहुत सारे पिक्चर वगैरह भी लगा दिए हैं, तो हम लोग अच्छे से करेंगे और हाईलाइट करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, हाईलाइट करते जाएंगे, हाईलाइट यहाँ पे किया हुआ है नहीं, ठीक है, इसको पढ़ते जाएंगे, हाईलाइट करते जाएंगे। थोड़ा सा कल के बाद को रिकॉल करते हैं, कल में दोबारा मैं इसको जब पढ़ पाया तो एक वर्ड मीनिंग वहाँ पर हमें प्रॉब्लम हुआ था, कहाँ पर जो लेखिका अनीश जंग थी, तो अनीश जंग जो एनालाइज की थी, एनालाइज द ग्रीनिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन विच कंडेम दिस चिल्ड्रन टू लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे कंडेम मन निंदा करना होता है, लेकिन यहाँ पे निंदा करने का बात नहीं था, यहाँ पे सेंस क्या निकलेगा, बाध्य करना, ठीक है। तो वैसा ट्रेडिशन जो कि बच्चों को बाध्य करता है लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, शोषित लाइफ जीने जीवन के लिए, तो यहाँ पे दोनों का सेंस अलग था, ठीक है, ग्रीनिंग पॉवर्टी, तो दोनों बात को एनालाइज करती है। तो इंट्रोडक्शन हम बता दी थी अनीश जंग के बारे में, ठीक है। समटाइम आई फाउंड ए मनी, आई फाउंड ए रूपीज इन ए गार्बेज, ये भी हम लोग देख लिए थे कि जो साहेब है, साहेब आलम, उसका नाम पर ही डिस्कशन हो रहा था, तो डायरेक्ट हम लोग नाम पे ही चलते हैं, जहाँ तक हम लोग रीड कर लिए थे। लेखिका पूछी थी कि तुम्हारा नाम क्या है, तो अनाउंस किया था कि मेरा नाम क्या है, साहेब आलम, ठीक है। तो कल हम लोग यही थे, तो कल के बाद में तो कोई दिक्कत होगा नहीं, लेखिका अनाउंस भी कर दी थी कि मैं स्कूल बनवा दूंगी या बनवा दूंगा, ठीक है। और आई थिंक लाइट भी कट गया, चलिए। तो फेस रिवील सही है, फिर ऐसे ही पढ़ोगे, ऐसे ही सही है, या फिर लाइट तो कट गया यहाँ पर, मुझे अभी याद आया लाइट कटा तो, ठीक है। तो लेखिका एक क्या बोलते हैं कि स्कूल बनाने के लिए वादा भी कर दी थी, लेकिन जब बनवा नहीं पाई थी तो उसको क्या हुआ था, काफ़ी इम्ब्रेंस, काफ़ी यानी कि वह उसे शर्मिंदगी महसूस करने लगी थी, काफ़ी उसको शर्मिंदगी महसूस हुआ कि मेरे जैसे तो इस जो काला वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में बहुत सारा क्या बोलते हैं, बहुत सारा वादा किया जाता है, लेकिन कोई भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा उसको हतोत्साह इम्ब्रांस थी, यानी कि मतलब क्या बोलते हैं, शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, कल जो बताए थे, ठीक। तो साहिब आलम वगैरह बात यहाँ पर करता है, ठीक। अगर यहाँ पर देखते हैं, लाइट अगर है नहीं तो फेस रिवील तो हो आई थिंक नहीं पाएगा, आई थिंक लाइट अभी कट गया है, तो लाइट कटने की वजह से नहीं हो पाएगा ना, तो ऐसे ही रीड करते हैं विदाउट फेस रिवील ही, क्योंकि दिखेगा क्लियर नहीं, ठीक है, या फिर रहने देते हैं ऐसे ही, क्या करें, लाइव है तो लाइव में फेस रिवील थोड़ा सा अच्छा रहता है कि ना सर, लाइव है तो थोड़ा सा, लाइट है नहीं भी कट गया तो थोड़ा सा दिक्कत भी होगा, चलिए। तो ठीक है सुरेश, तो कोई दिक्कत हो यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा लाइव में है ना बहुत टाइमिंग चला जाता है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, चलिए ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, चलिए। तो क्या बात कर रहे थे, किसे, ठीक है, साइड में रहेगा फेस वगैरह भी, चलिए। तो अनाउंस कर दी थी किसे, मेरा नाम क्या, साहिब आलम है, तो उसे यहाँ तक कल तक में तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, कल थोड़ा सा वीडियो देख लेना, ठीक है, और उसके बाद कल का जो पार्ट वन था वहाँ पे देख लेना, उसके बाद आज से स्टार्ट करना, ठीक है। तो अनाउंस किया था कि मेरा नाम क्या, साहिब आलम है, समझ, ठीक है, आई थिंक डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, इसको हटा ही देते हैं, फेस रिवील को हटा ही देते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, लाइट वगैरह है नहीं तो, ठीक है, चलिए। तो ठीक ठीक ठीक, थोड़ा सेटिंग कर लेना, ठीक हो गया, गुड इवनिंग, चलिए। अहमद खान, चलिए। तो यहाँ पे क्या कहा थे हम लोग, साहिब आलम अनाउंस किया था, ही डज नॉट नो व्हाट इज द मीन, ठीक, ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन, इसका मतलब क्या है वह नहीं जानता था, साहिब आलम का मतलब आखिर में क्या है, ठीक। इफ ही न्यू द मीनिंग, लेखिका बोलती है कि अगर वह मीनिंग को जान जाएगा कि साहिब आलम का मीनिंग क्या है, ठीक, द लॉर्ड ऑफ द, गुड इवनिंग सर, चलिए, गुड इवनिंग। और भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो थोड़ा सा देख लेते कमेंट को भी, चलिए। तो अजय कुमार मंडल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अहमद खान, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, चलिए, ठीक है। सुरेश, लाइट कटा हुआ तो फेस रिवील है नहीं, चलिए, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। पार्ट टू वीडियो है आज का, तो कल का वीडियो नहीं देखेंगे, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। और विनीत मिश्रा, बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं तो थोड़ा सा, ठीक है, डेली आप लोग का टाइमिंग यही रहेगा, ठीक है, विनीत या विनीता जो भी, आप लोग का डेली का टाइमिंग यही रहेगा, ठीक है। गुड इवनिंग सर, सभी को गुड इवनिंग। और लाइव में जुड़ना है, सारे चैप्टर को लाइन में लाइन पढ़ना है, एक एक वर्ड को, फिर सब्जेक्टिव भी दिया जाएगा, ठीक है, चैनल से भी जुड़ जाना है ताकि सारा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो सके, ठीक।
चलिए तो कुछ पढ़ा देते उसके बाद डिस्कशन करेंगे, कुछ पढ़ा देते उसके बाद डिस्कशन करेंगे, और ऑडियो वीडियो में कहीं से दिक्कत होगा तो ही बताइएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर नेटवर्क इशू दिख रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो लेखिका यहाँ पर बोल रही थी कि वो नहीं जानता, जान जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, चलिए इफ और टोस को ऑफ कर दे क्या, ओके सर ब्रीत मिश्रा ने, ठीक है टोस को ऑफ कर देगा ना तो साइड में जो दिख रहा है वो नहीं दिख पाएगा। ठीक है, तो भी सही था। चलिए तो लॉस्ट स्प्रिंग बहुत ही अच्छा स्टोरी को पढ़ रहे हैं, कल हम इसका इंट्रोडक्शन दिए थे। ठीक है, चलिए तो ठीक है यहाँ पे था। चलिए करेक्ट, इफ वुड हैव हर्ड द टाइम ऑफ बिलीविंग इट, अगर मतलब समझेगा तो उसको समझ नहीं पाएगा, यहाँ के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। यस सर यस टाइम, ठीक है चलिए ठीक ठीक बहुत अच्छा अजय कुमार मंडल, बहुत अच्छा। अब बीच में हो तो समझ भी नहीं आएगा तो बोलोगे सर समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा उधर भी दिक्कत होगा। चलिए तो बस इतना ही डिस्कशन। अनवेयर ऑफ व्हाट इज द नेम रिप्रेजेंट, उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दर्शाता है, बिना यह जाने हुए ही रोम्स, ठीक है रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ वह गलियों में घूमते रहता है, कौन साहेब आलम, दैट मीन्स साहेब। ठीक है, एंड आर्मी ऑफ द बेयर फुट फूट्स बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट द मून, और उन लोग ऐसे झुंड में घूमता है जैसे कि बेयर फुट बॉयज, खाली पैर, उन लोग के पास चप्पल भी नहीं है। इस टाइप से रोम स्ट्रीट पूरा गलियों में दिन भर घूमते रहता है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, एंड आर्मी ऑफ बेयर, ठीक है बॉयज, एंड हु अपीयर लाइक ए मॉर्निंग बर्ड, ऐसा उन लोग दिखता है जैसे कि सुबह का जो बर्ड होता है ना, घर से पक्षी निकलता है तो वैसे नून निकलता है, एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर तक सब गायब हो जाता है, दोपहर तक सब पता नहीं कहाँ चला जाता है, जैसे कि सुबह में कोई बर्ड घर से निकला दोपहर में सब गायब हो गया, तो उसी प्रकार से बच्चे भी एक झुंड में, ठीक है ना, बेयर यहाँ पर याद रखिएगा क्या, बेयर फूट खाली पैरे सब निकलते हैं और दोपहर तक इन लोग भी गायब हो जाते हैं। कहाँ गायब होते हैं तो हम लोग इसमें देखेंगे, डिस्कशन करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, रेग पिकिंग करता है, कचरा बिनने सब जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर कह रहा है कि पक्षी के जैसा ही लोग दिखता है, दोपहर तक सब गायब हो जाता है, सब चला जाता है। ओवर द मंथ, कुछ महीने बीतने के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, धीरे धीरे लेखिका जो है सभी को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दी थी, पहचानना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, चलिए तो लेखिका पूछती है, क्या पूछती है, why are you not wearing the chappals, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, या फिर तुम लोग चप्पल क्यों नहीं कंटिन्यूस क्यों नहीं पहन रहे हो। ठीक, आई आस्क का नेटवर्क इशू दिख रहा है क्या, नेटवर्क इशू दिख रहा है क्या। ठीक है, तो क्या था कि वाई आर नॉट यू वीरिंग चप्पल, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो, यहाँ पर कंटिन्यूस है तो क्यों नहीं पहन रहे हो, लेकिन सेंस क्या होगा, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। ठीक है, तो कुछ कुछ लिखा रहता है कुछ और, उसका सेंस कुछ और आता है, कुछ वर्ड का भी कुछ और सेंस आता है, तो स्टोरी के अनुसार हम लोग को सेंस समझते चलना है। तो लेखिका पूछी अप्रोक्स, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन टू सेल्फ, मेरी माँ जो है वह सेल्फ से उतार कर चप्पल मुझे नहीं देती है, ही आंसर सिंपली, कोई बॉय उनको आंसर देता है कि मेरी माँ है सेल्फ से उतार कर चप्पल हमको नहीं देती है। सेल्फ क्या होता है, इसका पिक्चर लगा दिए थे ताकि आपका माइंड में रहेगा, कहाँ था, आई थिंक यहाँ पर लगा नहीं पाए, चप्पल वगैरह छूट गया। तो सेल्फ वही होता है कि से क्या बोलते हैं, हम लोग घर में भी रहता है ऐसे, इस टाइप का बॉक्स हो गया, ठीक है ना, इसमें ऐसे ऐसे बॉक्स रहता है, इसमें चप्पल वगैरह रखा रहता है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट जवाब देता है कि जो मेरी माँ है वह सेल्फ से चप्पल उतार कर नहीं देती है। ठीक है, चलिए तो अब पिक्चर वीडियो यही सब दिक्कत होता है ना, कहाँ पर भी पढ़ा रहे थे और कहाँ पर फिर खोजना पड़ेगा। चप्पल, हाँ चलिए ठीक है ठीक है, पूछती है चप्पल तुम लोग क्यों नहीं पहनते हो, तो बोलती है किसे, क्यों नहीं पहन रहे हो, तो बोलती है, एक लड़का बोलता है कि मेरी माँ उतार कर सेल्फ से नहीं देती है। ठीक, इवन इफ सी डिड विल द थ्रो ऑफ देम, अगर कोई बोलता है यहाँ पर इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, अगर वह देती भी है तो बच्चे लोग क्या करता, फेंक देता है, एड्स द अनदर बॉय हु वीरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, तो एक दूसरा लड़का बोलता है कि अगर मेरी माँ उतार कर देती भी है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको फेंक देते हैं, सी डिड मैंने उसकी माँ, ठीक है, माँ अगर उतार कर देती भी है तो ही विल थ्रो ऑफ देम, तो इन लोग क्या करता है, उस सब जूता को फेंक देता है, चप्पल को फेंक देता है, पहनता नहीं है। ठीक, एट द अनदर हु इज वीरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, तो उन लोग वैसा शूज पहने हुए रहता है जो कि मैच भी नहीं कर, कुछ कुछ पहनता भी है लेकिन शूज मैच नहीं करते रहता है यहाँ पर। ठीक है, वेन आई कमेंट ऑन इट, और जब लेखिका उस पर कमेंट करती है तो ही सफल हिज फीट एंड से नथिंग, तो वह क्या करती है, उन लोगों को सफल मतलब क्या होता है, उसको मिक्सअप कर देना, तो सारे को देखते कि चप्पल ये लोग मिक्सअप करके पहना है, किसी का सही से है नहीं, कोई उल्टा पुल्टा पहना है, एंड से नथिंग, और फिर कुछ नहीं बोलती है। ठीक है, आई वॉन्ट टू सू सेज थर्ड बॉय,
तो तीसरा लड़का क्या बोलता है कि मैं तो शूज चाहता हूँ, मैं चप्पल चाहता हूँ, ठीक है, हु हैज़ नेवर ओन ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, वो कभी भी शूज नहीं पहना था, तो बोलता है कि मैं एक शूज चाहता हूँ लेकिन मेरे पास, मतलब क्या बोलते हैं, शूज है नहीं। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरा देखिए लाइट आ गया थोड़ा सा, ठीक है अभी लाइट आ गया, थोड़ा सा डिस्टर्ब है ना कुछ कुछ उधर, अभी रिजल्ट भी चेक कर रहे थे, तो चलिए अब देखते हैं, फिर श्रीफल लाइट तो आया तो थोड़ा सा तब जाके सही से काम हो पाएगा, बहुत गर्मी था लाइट में यहाँ पे आ नहीं रहा है, इतना हॉट गर्मी है ना कि दिमाग ही नहीं सही से काम कर रहा, तो चलिए इसको ऑफ़ रखते हैं, दिमाग डिस्टर्ब करेगा ना। कहाँ पे थे, थोड़ा सा इधर उधर दिमाग डिस्टर्ब था तो पढ़ नहीं पाते, क्या बोल रहे थे हम लोग, चलिए इफ द से द थर्ड बॉय वाज नेवर ओन, चलिए ठीक है, तो क्या, चलिए ठीक, इतना गर्मी है ना कि दिमाग ही सही से नहीं काम कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सा हम एक्सप्लेन भी अच्छे से नहीं कर पा रहे होंगे ना, यह दिक्कत हो रहा है। तो कहाँ थे हम लोग, चलिए बच्चे लोग कमेंट करता है कि सर चप्पल हम नहीं पहन पाते, कोई को बोलता है मैं चप्पल पहनता भी हूँ, कोई को बोलता है मेरी माँ देती है तो मैं उसको फेंक भी देता हूँ, इस टाइप से यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक। चलिए, पेयर ऑफ हिज लाइफ, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन द चिल्ड्रेन वर्किंग बेयर फुट, तो लेखिका बोलती है कि पूरा कंट्री ट्रेवल करते हुए मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ कि वह बेयर फुट रहते हैं, खाली पैर रहते हैं, ठीक, इन द सिटी ऑन द विलेज रोड, शहर में देखिए, गांव के गलियों में देखिए कि बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो खाली पैर घूमते रहते हैं, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट द ट्रेडिशन टू से बेयर फुट, उन लोगों के पास ऐसा नहीं कि पैसे का कमी है, उन लोगों का एक ट्रेडिशन है, कैसा, वन एक्सप्लेनेशन, एक बच्चा एक्सप्लेनेशन देकर बताता है कि नहीं नहीं हम लोग पास ऐसा नहीं है कि हम लोग पास पैसा नहीं है, हम लोग का परंपरा है कि हम लोग खाली पैर ही रहें, एक बच्चा ऐसा बोलता है, लेकिन रियलिटी क्या है कि उन लोग के पास पैसा नहीं है, ठीक। इफ, चलिए, आई वंडर्ड इफ दिस ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, अब लेखिका काफ़ी चौकित ऑनडर में क्या होता है, चौकित हो जाती है कि अरे इन लोग के पास मात्र एक ही एक्सक्यूज है, एक ही बहाना है, एक्सप्लेन ऑफ पर्पी नंबर भी करवा दे, दो चैप्टर के बाद करेंगे, ठीक है, दिखो बोलता है कि मतलब खाली चप्पल रहने, रिकॉर्ड कर करके ही डालेंगे, रिकॉर्ड करके प्रीमियर ही डालेंगे ना, कभी नेटवर्क इशू, कभी कुछ लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होता है। चलिए, तो यहाँ तक कुछ बच्चे चप्पल के बारे में हुआ था, चलिए आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम ओडीपी, तो लेखिका की एक स्टोरी याद आता है, ठीक है ना, ए मैन फ्रॉम ओडीपी वंस टोल्ड मी, ओडीपी का एक आदमी था जो लेखिका को बताया था कोई स्टोरी, तो वह स्टोरी लेखिका को याद आता है, क्या याद आता है, एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू अ स्कूल, ठीक, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जैसे कि एक लड़का, पहले कहानी बता रहा है कि एक लड़का था जो कि स्कूल जाता था, ठीक है ना, गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पहले पुराना जमाना का टेम्पल भी था तो वहाँ पर भी जाता था, वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट, तो उस टेम्पल में उसके पिताजी क्या थे, प्रीस्ट थे, पुरोहित थे, ठीक है ना, तो एक लड़का था जो स्कूल जाता था तो मंदिर के पास जाकर, ठीक है ना, ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, तो टेम्पल के पास थोड़ा सा रुकता था, ठीक है, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, अब क्या करता था, भगवान से प्रे करता था, प्रार्थना करता था, किसके लिए, पेयर ऑफ शूज के लिए, कि मेरे पास एक जोड़ा शूज आ जाए, ठीक है, यह स्टोरी बता रही लेखिका, कोई व्यक्ति ओडीपी का कोई व्यक्ति इसको बताया था, ठीक है। 30 ईयर लेटर आई विजिटेड हिज टाउन, अब 30 साल बाद लेखिका उस टाउन में दोबारा से जाती है, उस टेम्पल में दोबारा से जाती है, इसको अंडरलाइन करिएगा, 30 साल बाद, ठीक है, 30 साल बाद दोबारा से जाती है, एंड विच वॉज नाउ ड्रोन इन एयर, अब क्या होता है, विच वॉज नाउ ड्रोन इन एयर ऑफ क्या है, डिसोलेशन, अब काफ़ी अलग हो गया है, अब 30 साल बाद जब वहाँ पे गई तो देख रही है कि काफ़ी क्या हुआ, अलग हो गया यह प्लेस, काफ़ी कैसे अलग हो गया, इन बैकयार्ड, आंगन में, बरामदा में, मंदिर का पीछे, वेयर लिव्ड ए न्यू प्रीस्ट, अब मंदिर का पीछे क्या है, नया पुरोहित है, ठीक है, 30 साल बाद चेंज हो, पंडित चेंज होगा तो चेंज हो गया, देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पे क्या लगे हुए, रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव यहाँ से उठाकर पूछ देता है कि कैसा चेयर था, कहाँ पे, बरामदा में, ठीक है ना, तो रेड एंड वाइट चेयर वहाँ पर थे, तो याद रखिए, इसलिए पिक्चर से क्या होता है ना, माइंड में बैठ जाता है कैसे कैसे क्या था, तो पूछता है ऑब्जेक्टिव में, वो स्टूडेंट वहाँ पर कन्फ्यूज कर जाता है, ठीक है, तो रेड एंड वाइट चेयर थे बरामदा में, ठीक है, और अब पिक्चर को साइड में लगाएंगे, पिक्चर लगाएंगे ना तो साइड में, खोजने में टाइम लग जाता है, ठीक है, डिसोल्यूशन, चलिए मिल गया,
सर ग्रामर भी स्टार्ट करिए। हाँ ग्रामर किया जाएगा अजय कुमार मंडल, ग्रामर वगैरह भी किया जाएगा, क्लासेस कंटिन्यू हो जाना, थोड़ा सा टाइमिंग का दिक्कत होता है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ये सब उन लोगों को ही बताना पड़ता है कि कैसे टाइटल लगा, कैसे डिस्क्रिप्शन लगा, कैसे वीडियो अपलोड करें, तो उधर भी टाइम चला जाता है। फिर इन्हें क्लास वगैरह मेरा भी रहता है, ठीक है ना, तो बहुत दिक्कत रहता है। अभी रिजल्ट भी चेक किया लाइव, तो कहीं बिजी रह रहे हैं ना, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हाँ ग्रामर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, सारा सेक्शन धीरे धीरे स्टार्ट होगा, एक बार कंटिन्यू क्लासेस रेगुलर हो जाए, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा क्लास रेगुलर हो, सारा क्लास भी रेगुलर, मैं तो रेगुलर हूँ, मैं दो दिन बाद भी कराऊंगा तो रेगुलर ही रहूँगा, लेकिन और सब क्लासेस चालू हो जाए ताकि रिजल्ट बनाना है तो सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ना रिजल्ट बनेगा। तो इस टाइप से थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ कर दिया जाएगा। कनेक्टेड रहिए, जुड़े रहिए, सब कुछ समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। चलिए, तो रेड एंड वाइट चेयर वहाँ पर लग गए थे, ठीक है। यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक बच्चा हरा रंग पहने हुए वहाँ पर आता है, वेयरिंग सॉक्स, मोजा वगैरह पहना हुआ, शू जूता भी पहना हुआ है। अराइविंग पेंटिंग एंड थ्रो हिज बैग ऑन द स्कूल बैग ऑन द क्या है फोल्डिंग बेड, पूरा हाँफते हुए आता है। पेंटिंग में क्या होता है, हाँफते हुए आता है और आकर क्या करता है, थ्रो हिज स्कूल बैग, अपने स्कूल बैग को कहाँ पर फोल्डिंग पर उसको फेंक देता है स्कूल से आकर, ठीक है। एंड लुकिंग एट ए बॉय, लेखिका उस बच्चा को देख रही है, देखते हुए क्या करती है, आई रिमेंबर ए प्रेयर, ठीक है। आई रिमेंबर द प्रेयर द अनदर बॉय हु हैड मेड टू द गॉडेस्ट व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज। अब लेखिका क्या करती है, लेखिका रिमेंबर करती है, याद करती है कौन सा बात को, कि प्रेयर अनदर बॉय, दूसरा लड़का वहाँ पर प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है मंदिर के सामने ही, हैड मेड टू द गॉडेस्ट व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज, जैसे कि उसे एक पेयर ऑफ शूज मिल गया हो, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे क्या हो, फाइनली गोटे पेयर ऑफ शूज उसे मिल गया, भगवान को प्रार्थना कर रहा था तो उसे शूज मिल गया, तो भगवान उसको ऐसा सुन लिए तो ऐसा उसको लग रहा है लेखिका को, ठीक। लेट मी नेवर लूज देम, ठीक। द गॉडेस्ट एंड हिज ग्रांटेड हिज प्रेयर, अब कह रहा है कि भगवान मुझे क्या करें, गॉडेस्ट हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, जैसा कि भगवान उसका प्रेयर को मान लिए हैं, ठीक है ना। तो लेट मी नेवर लूज देम, तो मुझे जूता मिल गया भगवान, अब मुझे जूता कभी ना खोने दे। एक बच्चा प्रेयर कर रहा है तो लेखिका उसको देख रही है तो ये बता रही है कि मंदिर के पास गया, 30 साल बाद देख रहे हैं कि सब कुछ चेंज हो गया, एक बच्चा का प्रेयर कर रहा है, भगवान से जूता मांग रहा है, उसे जूता मिल गया है, तो कह रहा है कि हमें कभी भी लूज ना करे, हे भगवान जो जूता हमें मिला है तो जूता को कभी नेवर लूज ना करे, तो वही यहाँ पर बोल रहा है। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट, ठीक है। नाउ वेयर शूजेज, अब देखिए, अब पुरोहित का जो बच्चा है वो शूज पहना हुआ है, उसके पास जूता है, 30 साल पहले का बात करें तो वहाँ के जो पुरोहित थे उसके बच्चे के पास शूज नहीं होता था, ठीक है। बट मैनी अदर लाइक द रेग पिकर्स, लेकिन बहुत सारे जो रेग पिकर्स यानी कि जो कचरा बीनने वाले थे, तो इन द माई नेबरहुड रिमेंस शूजलेस, आज भी मेरे पड़ोसी में बहुत सारे क्या है, रेग पिकर्स कैसे हैं, शूजलेस हैं, जो कि जो साहिब आलम वगैरह की बात हो रहा है यहाँ पर ना, तो उन लोग क्या है, रेग पिकर से कचरा बीनता है और उन लोगों के पास शूज वगैरह है नहीं, तो लेखिका वहाँ पर कर रही है। मैं एक अब देखिए स्टोरी में आते हैं, पास्ट था, ठीक है। सोच रही थी कोई स्टोरी बताया तो वहाँ के बारे में सोच रही थी। चलिए, माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रेग पिकर्स लीड टू बी सीमापुरी, अब मेरा जान पहचान हुआ उन लोगों से, ठीक है ना, किससे, बेयर फुट रेग पिकर जो खाली नंगे पैर रहते थे, कचरा बीनने वाले रेग पिकर्स, लेड टू मी सीमापुरी, अब मुझे सीमापुरी ले गया, उसी में से जान पहचान का था तो इन लोगों को सीमापुरी ले गया। सीमापुरी एक प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के पेरीफेरी यानी कि बाउंड्री पे एक जगह है सीमापुरी, तो सीमापुरी में इन लोग रहता है ना, ढाका से आया था, सीमापुरी में रहता है, तो लेखिका को कोई सीमापुरी में ले गया। 8 miles अवे फ्रॉम इट, जहाँ पर लेखिका रहती थी तो वहाँ से कुछ मील दूर, ठीक है ना, कुछ मील दूर सीमापुरी जगह है, तो वहीं पर ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बॉर्डर में इतना मील दूर पे है, ठीक। मेटामोर्फिकली आयरनिकली, ठीक है, सेमुलिकली दोज हु लिव हियर एक्सक्वेटर हु केम फ्रॉम द बांग्लादेश बैक इन द 1971, जो सीमापुरी में लोग यहाँ पे रहते हैं लिव हियर आर द एक्सक्वेटर्स हैं, एक्सक्वेटर्स उन क्या होता है, घुसपैठी, ठीक है ना, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश आए हुए हैं, ठीक है ना, बैक इन द 1971 जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो वहाँ से ही साहिब आलम वगैरह उन लोग भी वहाँ से आए हैं ना, क्योंकि वहाँ पे थंडर स्टॉर्म वगैरह आए थे। उसको चेक नहीं किया है, देखेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहे थे कि बांग्लादेश से सब आया हुआ है ना, तो वहीं पे इन लोग भी आया था, ठीक है। साहेब एंड फैमिली अमोंग देम, देखिए यहाँ पे लिख दिया कि साहेब उसका परिवार भी उसी में से कुछ है। सीमापुरी वाज देने क्या है, विल्डरनेस एंड इट स्टिल इज द बट इज नो लॉन्गर इम्पटी, देखिए कह रहा है कि सीमापुरी क्या है, एक विल्डरनेस, काफ़ी मतलब विल्ड में क्या होता है, एक बंजर एरिया था, लेकिन यहाँ पे इन लोग रहने लगा है तो विल्डरनेस यानी कि कुछ लोगों से क्या हो गया वहाँ पर, क्या बोलते हैं उसको, विल्डरनेस का, यहाँ पे हिंदी एक्यूरेट नहीं देख रहे हैं मैंने, काफ़ी बंजर था, खाली था, तो धीरे धीरे इन लोग पहले खाली था लेकिन आज इन लोग रहने लगा। इट स्टिल इज, आज भी क्या है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन आज खाली नहीं है, पहले बंजर था, खाली था, लेकिन आज सीमापुरी क्या है,
खाली नहीं है, आज यहाँ पर लोग भर गए हैं। कौन से लोग? वही एक्सक्यूवेटर लोग यहाँ पर आकर भर गए हैं। ठीक है, इन द क्या है स्ट्रक्चर ऑफ मड विद द रूट्स ऑफ टीन एंड क्या ट्रॉपोलिन। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मड, कचला का कुछ स्ट्रक्चर यानी कि कचला वगैरह वहाँ पे है, विथ रूट्स कुछ छते हैं, रूट्स ऑफ टीन, टीन का कुछ छत है, क्या टारपोलिन यानी कि तिरपाल वगैरह लगा के वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। ठीक है, डिवाइड और सीवेज, सीवेज का कुछ कुछ व्यवस्था है, यानी कि सीवेज में क्या होता है नली वगैरह की व्यवस्था कर दिया, पहले बंजर था लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ पर लोग रहने लगे सीमापुरी में। ड्रेनेज, ड्रेनेज का भी सिस्टम है, रनिंग वाटर पानी वगैरह निकल जाएगा। ठीक है ना, लीव 10,000 रेग पिकर, 10,000 रेग पिकर कचरा बीनने वाले सीमापुरी में रहने लगे हैं। तो सीमापुरी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कट बताया कि कैसे कैसे प्लेस है, कहाँ पर है, कितना लोग रहते हैं, पहले क्या सिचुएशन था, वही बताया है। दे हैड लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, याद रखिएगा 30 ईयर्स। ठीक है, विदाउट एनी आइडेंटिटी, उन लोग यहाँ 30 सालों से रह रहा है, विदाउट एनी आइडेंटिटी, कोई इन लोगों के पास पहचान नहीं है और इतना सालों से रह रहा है, विदाउट द परमिट्स, अब कोई आइडेंटिटी नहीं है तो परमिट नहीं है, कोई परमिट उन लोगों को देगा नहीं, बट विद द राशन कार्ड्स, लेकिन उन लोगों के पास एक थिंग है, क्या है, राशन कार्ड है। ठीक है, दैट गेट देयर नेम्स टू द वोटर लिस्ट। अब राशन कार्ड है तो राशन कार्ड ही एक ऐसा कार्ड है जिससे इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है। ठीक है, तो बस सिर्फ एक ही कार्ड है, राशन कार्ड। ठीक है, लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ए ग्रेन, तो राशन कार्ड के चलते इन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है और उसी राशन कार्ड के मदद से इन लोग क्या कर सकता है, ग्रेन वगैरह को खरीदने में योग्य होता है, इनेबल होता है। ठीक है, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल देन ए आइडेंटिटी। अब देखिए फूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, सर्वाइवल, जीवन जीने के लिए, फॉर देन आइडेंटिटी, पहचान से, मेरा पहचान न हो तभी मैं जीवित रहूँगा लेकिन फूड न हो तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को अंडरलाइन करिएगा कि फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन ए आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए, इफ एट द एंड ऑफ द डे, देखिए इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा है यानी कोई यहाँ पर बात को बता रहा है, एक सेकेंड यहाँ पर थोड़ा सा आवाज़ मत करिए, वहाँ पर ले जाइए, इफ एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर करते हैं, तो यहाँ से देखिएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, यहाँ तक कोई दिक्कत अगर होगा तो कमेंट भी करिएगा, तो हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए समझ में नहीं आएगा तो ठीक है। यस यस मंडल बिंदा, चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए डबल इन्वर्टेड में कोई यहाँ पे बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फ्री आवर फैमिली एंड गो टू द बेड विदाउट द विदाउट, अगर बेड पे जाते हैं विदाउट एसिंग द स्टोमेज, बिना पेट में दर्द, आज हम चेक नहीं किया उसको, हम चेक करेंगे, ठीक है, तो चलिए कराए कि सभी, ठीक है, इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली एंड गो टू द बेड विदाउट द एचिंग स्टोमेज, बिना पेट में दर्द किए हुए कि बाहर ले जाइए ना यहाँ पे, ठीक ठीक, डिस्टर्ब होता है उसे, इधर पढ़ा रहे हैं उधर से अनाउंस का आवाज़ आता है, तो चलिए ठीक, करा किसे एंड ऑफ द डे, डे के लास्ट में वी कैन फीड आवर फैमिली, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है तो हम समझा भी नहीं पाते अच्छे से, गो द बेड विदाउट डैकी, चलिए, तो बिना पेट में दर्द लिए हुए अगर हम लोग अपने बेड पे सही से चले जाते हैं शाम में, इफ़ यू वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड दैट गेव टू द गेव अस नो ग्रीन, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है जो वैसा फील्ड, ढाका का फील्ड, बांग्लादेश का फील्ड जो मुझे ग्रेन नहीं देता था, लेकिन यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हमें ग्रेन मिल रहा है, अनाज फसल वगैरह मिल रहा है। ठीक है, से ग्रुप ऑफ वोमेन इन द क्या है टेरेड साड़ी, एक मतलब कि टेरेड साड़ी यानी कि फटा हुआ साड़ी पहनी हुई है, कुछ ग्रुप ऑफ वोमेन, ठीक है ना, तो कुछ ग्रुप ऑफ वोमेन यानी कि महिलाओं का ग्रुप में से कोई बोलता है कि यहाँ पे हम लोग को अच्छा है कि हम लोग अपने बेड पर जा रहे हैं विदाउट पेट में दर्द हुए, विदाउट मेरे पेट मेरा खाली नहीं है, ठीक है ना, भले ही हम यहाँ पे थोड़ा सा स्थिति यहाँ पे अच्छा नहीं है, सीमापुरी का कंडीशन, लिविंग कंडीशन सही नहीं है, लेकिन हम बांग्लादेश में थे तो वहाँ पे ग्रेन ही नहीं था, स्टोर में आया था सब तबाह करके ख़त्म कर दिया था, तो वहाँ से तो सीमापुरी अच्छा है, तो इसीलिए कुछ महिला यहाँ पर बोलती है। वेन आई आस्क देम वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ द ग्रीन फील्ड एंड द रिवर, तो लेखिका पूछती है कि आप लोगों ने ब्यूटीफुल ग्रीन बांग्लादेश के बारे में आप लोग ऐसा क्यों छोड़ दिए थे, तो वही एक्सप्लेनेशन देती है कि इस कारण से मैंने बांग्लादेश को वहाँ पर छोड़ दिया था, वहाँ पर खाने को कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए, वेन एवर दे फाइंड फूड, और कभी कभी वो लोग भोजन को प्राप्त कर लेते थे, दे पिच देयर टेंट्स एंड बिकम क्या है ट्रांजिएंट होम्स, कभी कभी भोजन को प्राप्त कर लेते थे तो क्या करते थे कि पिच देयर टेंट, अपना टेंट को लगाते थे एंड बिकम ए ट्रांजिट होम्स, और उन लोग का परमानेंट
ट्रांजिएंट होम यानी कि टेम्पोररी घर वहाँ पर बन जाता है, टेंट वगैरह लगा लिए, जहाँ पर भोजन मिला वहीं पर कुछ घर बना लिए। चिल्ड्रन ग्रो अप देम, उसी में बच्चे लेकर भी, तो क्लियर आई थिंक समझा भी हम नहीं पा रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो हम सोच रहे थे सीमापुर यहाँ तक हो गया था ना, किससे देर इज फील इन देम, तो हॉटस्पॉट लेकर उसको अपलोड भी कर दिए, तो लाइव आएंगे, लाइव आपका टेस्ट लिया जाएगा, बाकी रिकॉर्डेड वीडियो ही जाएंगे, ठीक है लाइव में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो कैसा रहेगा अगर रिकॉर्डेड ही जाए तो कैसा रहेगा, मीनाक्षी या फिर जो भी क्या नाम था सुरेश, तुम लोग दो व्यक्ति थे, अभी थोड़ा बहुत था क्लासेस वगैरह चलते, डाटा वगैरह दिक्कत होने लगा ना, कभी कब समाप्त हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। कैसे पढ़ना चाहोगे बोलो, तो मैंने किसी रिकॉर्डर में रात में रिकॉर्ड करके वीडियो को टाइमिंग लगा दिया, अगला दिन टाइम पे चला गया, जब मेरे को टाइम मिलेगा तब रिकॉर्ड करके डाल दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें और अच्छे से ही समझाया जाएगा, ठीक है। तो कमेंट करो मीनाक्षी कैसा रहेगा अगर रिकॉर्डेड ही जाए तो, सोचे थे लाइव पढ़ाएंगे लेकिन लाइव में देख रहे बहुत परेशानी है, कमेंट कर दो कैसा रिकॉर्डेड ही, ठीक है सर वही सोच रहे हैं रिकॉर्डेड ही, लाइव में डिस्टर्ब रहते हैं कभी कुछ, ठीक है ना, माइंड में से लाइव में एक टाइम हो जाता है कि इस टाइम में डालना है, रिकॉर्डेड रहेगा तो जब मतलब तुम लोग भी देख पाओगे और मैं भी जब मतलब उसको बना कर टाइमिंग अपना लगा दूंगा, ठीक है। तो स्टोरी बहुत ही अच्छा है लेकिन उतने अच्छा से मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इस लाइव के चलते कभी परेशानी है इसी चलते, तो इसको ढंग से पार्ट वन से लेकर पूरा वीडियो को ही रिकॉर्ड कर दिया जाएगा अच्छे से, उसको देख लेना होगा, ठीक है, ताकि समझ में आ जाएगा। तो कहाँ तक पढ़ा दिए थे इसको सोचे कंप्लीट कर दिए एट द एंड ऑफ द डे, अच्छा टाइमिंग देखते थोड़ा सा इसका टाइमिंग, तो अभी टाइमिंग तो होगा, टाइमिंग हो गया, आई थिंक टाइमिंग हो गया 30 मिनट, और 30 मिनट अगर हम पढ़ाते बिना रिकॉर्डेड, सॉरी 30 मिनट अगर रिकॉर्डेड पढ़ाते तो अपना बहुत कुछ पढ़ा भी देते और कोई दिक्कत भी नहीं होता और समझ में भी आ जाता, कहीं कहीं समझ में भी नहीं आया होगा आई थिंक, ठीक है ना। तो माइंड काम सही से नहीं करता सर, लैपटॉप नहीं है क्या सर, उसमें अच्छा वीडियो आएगा, नहीं मेरे पास लैपटॉप नहीं है अजय कुमार मंडल, ठीक है लैपटॉप नहीं है, मोबाइल से रिकॉर्ड करेंगे लेकिन बेस्ट वीडियो रहेगा, वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत होगा नहीं, पिछले बार लाइव से रिकॉर्डेड ही थे, ठीक है। तो इसमें पिक्चर वगैरह लगाकर क्या होता है ना, किसे रिकॉर्डेड में हम पिक्चर वगैरह अच्छे से लगा भी पाते हैं, यहाँ पिक्चर लगाते हैं तो धुंधला जाता है, कभी ऊपर गए तो नीचे से, तो कभी कोई दिक्कत कभी कोई दिक्कत, ठीक है। हाईलाइट वगैरह इसको रीड भी नहीं कर पाए अच्छे से, तो हाईलाइट भी किया हुआ नहीं है तो उसको रीड कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टर्म है उसके जगह पे हम लोग फोटो वगैरह लगा देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ढंग से अच्छा रहेगा ताकि उसको क्या किया जाए, रिकॉर्ड ही कर दिया जाए। अब लाइव अभी इतना गर्मी है ना, गर्मी से इतना पसीना चल रहा है कि हम क्या बोले, और गर्मी है तो माइंड ही नहीं काम करेगा अच्छे से, तो राशन कार्ड वगैरह पढ़ा रहे थे लेकिन हो नहीं पाएगा, फूड इज योर सर्वाइवल दें, चिल्ड्रन इज ग्रो दें, बिकम ए पार्ट, इस पैराग्राफ को खत्म कर दें ताकि आप घर पे इतना कुछ पढ़ सकते हैं, सीमापुरी रेग पिकिंग अराउंड दें, ठीक है। चलिए उसमें बच्चे भी सर्वाइव करते हैं एंड द सीमापुरी, ठीक है, सर्वाइवल इन द सीमापुरी मीन्स ऑफ रेग पिकिंग थ्रू द ईयर्स, ठीक है, इट हैज एक्वायर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द फन आर्ट एंड गर्बरेज द गोल्ड, ठीक है ना, एंड देयर डिलीबरेट फूड एंड देयर हेड्स एंड इफ द लीकिंग रूफ बट द चिल्ड्रन इज ग्रो इन द बोर, यहाँ तक पढ़िएगा, ठीक है ना, बाकी इसको दोबारा से मैं रिकॉर्ड करके ढंग से उसको रिकॉर्ड कर दूंगा, ओके सर नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि देख रही है बहुत लाइव, देखिए अभी दिखा रहे हैं, अभी थोड़ा सिचुएशन दिखा रहे हैं, अभी देखिए थोड़ा सिचुएशन दिखा रहे हैं, देखिए कि कितना गर्मी लग रहा है, इतना गर्मी में माइंड कैसे काम करेगा, समझ देखिए कितना पसीना चल रहा है, फैन चल रहा है, फैन को स्लो किए हैं, फैन को अगर तेज करेंगे तो फिर बोलने में दिक्कत होगा, तो बहुत गर्मी देख रहे हो, गर्मी में माइंड नहीं काम कर रहा, तो अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं, तो अभी बोलिएगा सर समझा नहीं रहे ढंग से, ठीक है। तो रिकॉर्डेड जाएगा कूल माइंडेड, जब भी रात में हमको टाइम मिलेगा तो उसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। और अभी क्लास को एंडिंग करते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। स्टोरी है ढंग से एक एक लाइन को समझना है, वर्ड को समझना है, तो उसको लाइन को वर्ड को जब तक एक्सप्लेन अच्छे से नहीं करेंगे तब तक उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चैप्टर वन में रिकॉर्डेड ही था सर, बहुत अच्छा था वो रिकॉर्डेड ही, हाँ ठीक है मीनाक्षी, तो रिकॉर्डेड ही डालेंगे, अच्छा ही रहता रिकॉर्डेड, ठीक है, तो रिकॉर्डेड ही जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत होगा, हाँ रिकॉर्डेड में है कि इसे कूल माइंडेड रहते हैं तो सारा कुछ अच्छे से रिकॉर्ड हो पाता है, ठीक है। आई थिंक डाटा वगैरह भी समाप्त है तो कब 100% देगा, देखिए 1.32 GB, तो भी दिक्कत परेशानी है। चलिए तो सारे वीडियो रिकॉर्डेड आएंगे, टेस्ट आपका लाइव चलेगा, टेस्ट के दिन हम लोग लाइव मिलेंगे, और जब टेस्ट जाएगा तो उससे पहले एक रिवीजन का वीडियो जाएगा, ठीक है, रिवीजन का एक वीडियो जाएगा जो कि किसके लिए रहेगा, मेंबरशिप के लिए रहेगा, तो मेंबरशिप तो ले लेना होगा, मेंबरशिप तो लेना होगा, ठीक है। उसके बाद टेस्ट जाएगा, सब्जेक्टिव जाएगा, और वहाँ पर हम लोग लाइव टेस्ट यूट्यूब पर ही आपका रहेगा। चलिए तो सभी को ऑल द बेस्ट, सभी को बाय, पढ़िए रिवीजन करिए, ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो आप वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं।
ठीक है। चलिए, लाइव में बहुत परेशानी है, प्रॉब्लम है, कोई काम में डिस्टर्ब रहते हैं तो वहाँ से भी दिक्कत होता है, ठीक है। ढंग से मैं इसको रीड भी नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। इसके बाद ना हाईलाइट किए, कौन सा वर्ड को हाईलाइट करना है, कौन को याद रखना है, कौन को भूल जाना है, तो वो सब प्रॉब्लम है। कुछ कुछ पिक्चर वगैरह भी अच्छे से नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी प्रॉब्लम के कारण हम लाइव क्लास को ऑफ ही रखते हैं, रिकॉर्डेड जाएगा। ढंग से पढ़िए, डेली पढ़िए, और इंग्लिश इकोनॉमिक्स तीन तीन दिन करके उसको कंप्लीट करेंगे सारा चैप्टर को, ठीक है। फ्यूचर आंसर को भी पढ़ना होगा तो सब कुछ रिकॉर्डेड ढंग से जाएगा। चलिए, ओके मीनाक्षी, ऑल द बेस्ट, गुड बाय सभी को। चलिए, बाय एवरीवन, एवरीवन सभी को बाय।